वैसे दूतो जी महाराज, ये लोग हमसे इतना डरते क्यों हैं? उस पतीली का ना जाने हमें देखकर क्या हाल होगा है? वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, तड़पेगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही महाराज। अरे लेकिन यहाँ पर तो ये लोग भीष्म साहनी साहब के तमस जैसे और हम बी आर चोपड़ा साहब के धार्मिक सीरियलों के किरदारों जैसे दिखाई दे रहे हैं। सही कह रहे हो महाराज, हमें भी इन सब की तरह साधारण वेशभूषा पहननी होगी। महाराज पता जब मैं पिछली बार आया था ना, आगे भी आया था, वो पतीली को लेने उसके मोहल्ले में, महाराज यहाँ के लोग हमें रामलीला का आर्टिस्ट बोल रहे थे। मुझे अन्नत और इस मोटे को वो बालू जामन। फिर तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई दूतों, कम से कम तुम्हें देखकर यहाँ के लोगों को विलुप्त होती हुई कला का नाम तो याद आया है। ये बात तो आपने सोचा है, सच कही महाराज। पर कितनी घड़ियां बीत गई, ये पतीली जी का घर नहीं मिल रहा, कहीं किसी गलत घर में घुस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे हैं? देने ही पड़ेंगे महाराज। ए सैया मिले लरे तैया बालिके। कौन हम? जी आप जी, तुम हमसे कुछ कह रहे? जी बालिके, आप ही से कहा हमने। महाराज या तो पंगे ना लीजिए महाराज, बड़ी बड़ी कुड़कुड़ तुम्हारी से। अरे तो इतना भड़क क्यों रही है? नहीं माने, अब हम देवलोक वाले धरती पर आपको क्या कहकर बुलाएंगे भला? हे दैया मोरी, एक तो मुन्नू के पापा की जेब से तारा हुआ अपना 100 रुपये का नोट कहीं गिर गया, ऊपर से ये नोट तंकी वाला माथा पच्ची कर रहा। ए भाई ए भाई, ये बता दो देवलोक में कोई नौकरी कर दो या बिजनेस। हाय देखो दोनों हाथ जुड़े, अरे मुन्नू के पापा को भी कोई छोटी मोटी नौकरी दिलाए दो, घर में बड़े बड़े मुद्दा रहे हैं। देवलोक की चिड़ी चढ़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे उतरेंगे, ऑटोमेटिकली पिटक जाएंगे। हम यमराज हैं यमराज। आप यमराज हैं जी? हाँ, हम कैसे मान लें? पर पुनो दो, अब आपको कैसे यकीन दिलाएं? अच्छा, तो आप यमराज हैं? हाँ, फिर तो हम मेन का हैं। कहिए नाच के दिखाओ। हाँ थोड़ा सा कर दो जैसे बात करते हैं। अरे तुम्हारे पास वो है क्या? वो क्या? वो जितने तुमने ना दिया, अरे वो छोटा सा जिसमें फोटो लगी होती है और लिखा होता है कि तुम कौन हो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिया हमें। उसको आई कारण कहते हैं। आई कारण क्या? आई कारण है क्या? फिर